नमस्कार, शिव शैली चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीपीसीटी की सीरीज में 28 अक्टूबर के शिफ्ट के पेपर देख रहे हैं। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है, केवल कंप्यूटर भाग देखते हैं हम लोग। सीपीयू कंप्राइजेज, अब सीपीयू में क्या क्या होता है, तो सबने ब्लॉक डायग्राम देखा होगा। इनपुट सीपीयू और आउटपुट इकाई जहाँ आता है वहाँ पर सीपीयू में क्या होता है, एएलयू, सीयू और मेमोरी इकाई, तीनों चीजें होती हैं। एएलयू अरिथमेटिक का ऑपरेशन करता है, सीयू कंट्रोल इकाई है, और मेमोरी इकाई में हमारा वो डेटा होता है जिसमें ऑपरेशन होना है। अगला है, एमएस एक्सेल में सेल B1 से शुरू होने वाले सेल के एक श्रृंखला के लिए सेल संदर्भ क्या होगा जो कॉलम G तक और नीचे पंक्ति रो 10 तक जाती है। मतलब हम शुरू B1 से करेंगे और जाएंगे कहाँ, कॉलम G तक जाएंगे और रो 10 तक जाएंगे। तो मतलब फिक्स होकर पहला जो B1 हो गया और दूसरा हमारा क्या जाएगा, G10, बीच में कॉलम लगता है, तो हमारा क्या होगा, B1 to G10। एक्सेल हम देख भी लें, अगर देखिए हमने अगर B1 पे रखा है अपने सेल को, कर्सर को नई सीट ले लेते हैं, ये B1 पे रखा है और हम कहाँ जा रहे हैं, B1 से कहाँ जा रहे हैं, G10 तक जा रहे हैं। हमारी रेंज क्या है, B1 to G10 कहलाती है। अगर हम कहीं पर लिखें, यहाँ पर हम लिखें B=B1:G10, तो आप देख रहे हैं उतना ही रेंज सेलेक्ट किया है, कितना, B1 से लेकर के कहाँ, G10 तक किया। तो इसने पूछा है प्रश्न सवाल में कि ये रेंज को हम किससे कनेक्ट करेंगे, B1 से लेकर G10 तक। इनपुट डिवाइस जो गेम के लिए यूज होती है, जॉयस्टिक होती है। अगला प्रश्न है, विंडोज का व्यवस्थापन जहां विंडोज एक दूसरे से अधिव्याप्त होता है और प्रत्येक विंडोज का केवल शीर्षक दिखाई देता है, उसे हम कैस्केड कहते हैं। अगर आप किसी में जाएं तो यहां पे हमारा ये व्यू में विंडोज को अरेंज करने के लिए होते हैं, जैसे मैं कई विंडो है कर दूं, न्यू विंडो कर दिया मैंने, तो कई विंडो है हम ओपन कर सकते हैं। ऐसे न्यू विंडो हमने कर लिया, मल्टीपल विंडो ओपन हम कर सकते हैं, मल्टीपल विंडो आप एक साथ ओपन कर सकते हैं। तुम कई विंडो ओपन कर लें, जैसे हमने अभी एक विंडो किया था ओपन, अभी ये देखिए 0.2 लगा, मतलब दो विंडो यहाँ पर हैं। हम यहाँ व्यू में जाएं, अरेंज ऑल में जाएं, तो यहाँ आपको कई देखिए ऑप्शन मिलते हैं हमें, ये आपके अरेंज होके विंडो हमारी है। एक्सेल में देखें यहाँ तो ऑप्शन में नहीं मिले, अगर हम एक्सेल में जाएँ यहाँ पर तो आपको ऑप्शन है ज़्यादा मिल जाते हैं। देखें जैसे मैं यहाँ पर 0.2 लगाया, मतलब दो विंडो खुले हैं, अरेंज ऑल में जाएँ तो यहाँ ऑप्शन देखिए टाइल्ड हॉरिजॉन्टल, देखिए जैसे टाइल्ड करते हैं तो क्या हुआ, दोनों विंडो हमारे इस तरह से आ रहे हैं, अगल बगल आ रहे हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल करते हैं तो क्या हो गया है, ऊपर नीचे से आ रहा है, ये जैसा वर्ड में आ रहा था। अगर हम वर्टिकल करते हैं तो क्या हो गया हमारा, ये इस तरह से दोनों वर्टिकल मोड में आ रहे हैं। अगर हम कैस्केड करते हैं, कैस्केडेड एक के ऊपर एक होते हैं, मतलब यहाँ पे ये एक के ऊपर एक है, ये एक पीछे एक नीचे है, ये एक के ऊपर एक कैस्केड हमारा जो होता है। तो यही पूछ रहा है इसमें कि क्या होता है, मतलब जहाँ विंडोज एक दूसरे पर क्या होते हैं, हमारे अधिव्याप्त ओवरलैप हो जाते हैं, तो ओवरलैप कहाँ होते हैं, हमारे कैस्केड में होते हैं। बाकी आपने देखा तीनों टाइल्ड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इसमें ओवरलैप नहीं होते हैं, और कैस्केड में एक के ऊपर एक आ जाते हैं, मतलब हमको एक ही विंडो दिखाई देता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज कंट्रीब्यूटेड टू आइडिया ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम, यानी जो स्टोर्ड प्रोग्राम का विचार जॉन वॉन न्यूमैन की देन है, बहुत बड़ा योगदान इनका कंप्यूटर में है, चार्ल्स वापस कंप्यूटर के फादर हैं। सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में आउटपुट मिलता है किससे, मॉनिटर से मिलता है, प्रिंटर से आपको हार्ड कॉपी मिलता है, प्लॉटर भी हार्ड कॉपी ही देता है, और आपका सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस है। फ्रंट साइड बस इज ए एन डैश डैश पाथ ऑफ द मदरबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर, तो कैसा पाथ है, इलेक्ट्रिकल पाथ हमारा होता है, फ्रंट साइड बस जो होती है FSB जो कहते हैं। ए टिपिकल हार्ड डिस्क ड्राइव यूज्ड इन डेस्कटॉप कंप्यूटर, यानी हार्ड डिस्क की साइज पूछ रहा है कितनी साइज होती है, तो क्या होती है, 3.5 इंच होती है, ये तो फैक्ट है एक। नेक्स्ट प्रश्न है, बाहरी स्रोत से प्राप्त होने वाली जानकारी जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में निविष्ट है, निविष्ट कठिन जा रहा था, आप हिंदी देख लें, फेड इन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी जो कंप्यूटर में जानकारी देते हैं हम, वो हमारा इनपुट कहलाता है, जो मिलता है हमारा आउटपुट कहलाता है। थ्रूपुट क्या है कि इकाई टाइम पे कितने हमारे आउटपुट मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, उच्च स्तर की भाषा हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी नहीं है, तो असेंबली भाषा हाई लेवल नहीं है।
बाकी सारी हाई लेवल भाषाएं हैं। अगला है, अगर आपको इंटरनेट के माध्यम से एक वायरस युक्त फाइल मिलती है तो आप वायरस हटाने के लिए किसका चयन करेंगे? तो ऑटोमेटिक जहां वायरस की बात है वहां एंटीवायरस, सीधा हमारे एंटीवायरस टैब में देख लें, स्कैन यूजिंग एंटीवायरस, हम क्या करेंगे एंटीवायरस द्वारा उसको स्कैन कर लेंगे तो वायरस अपने आप हटा देगा वो। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड एन ईजी इंटरफेस टू ब्राउज द वेब डॉक्यूमेंट, यानी अगर हमको वेब डॉक्यूमेंट को ब्राउज करना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, ब्राउजर यूज करते हैं। वेब जहां भी आएगा तो वहां ब्राउजर हमें यूज करना ही है, ब्राउजर से ही हम उसको देख पाते हैं। रिंग जो डिस्क सरफेस में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैक कहते हैं, सेकेंडरी छल्ले वो ट्रैक्स कहलाते हैं, और ट्रैक इसमें सेक्टर में बटा होता है हमारा। अगला है, व्हेन यू टाइप वेब एड्रेस डैश डैश डॉट ओआरजी, डॉट ओआरजी का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट होता है ये। अब यहाँ देखिए आप हिंदी में परेशान हो जाएंगे, संगठनात्मक वेबसाइट, अगर आप अंग्रेजी में देखें आसानी से मिल जाता है ओआरजी। सामान्यतः ये जो डॉट के बाद होता है ये स्टार्टिंग दो तीन अक्षर लेता है, ओआरजी देख लें शुरू के तीन अक्षर हैं, कमर्शियल डॉट कॉम ले लेता है, एजुकेशनल डॉट ईडू ले लेता है। व्हेन ए पॉइंटर इज पोजिशनड ऑन ए डैश डैश इट इज सेव्ड लाइक ए हैंड, तो हमारी हाइपरलिंक होती है, जब भी हम क्या पॉइंटर कहीं ले जाते हैं तो हमारी हाइपरलिंक में क्या होता है, आकार हाथ का आकार बन जाता है। जैसे कि हम देखते हैं अगर इसको हम देखें, यहाँ गूगल मैंने खोल रखा है, यहाँ अगर हम यहाँ लाते हैं तो हमारा हाथ का आकार बन जाता है, हाइपरलिंक जो हमारी होती है। तो हाइपरलिंक में ऐसा होता है कि पॉइंटर जब हाइपरलिंक पे होता है तो क्या उसका आकार हाथ की तरह हो जाता है। एक्सप्लोरर फायरफॉक्स क्या कहलाते हैं, ब्राउजर कहलाते हैं, क्रोम भी ब्राउजर है। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल करना है, इन ऑर्डर टू ईमेल वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विद इन वर्ड 2003, तो हम क्या करेंगे, गो टू फाइल देन सेंड टू देन मेल रिसिपिएंट, यानी हमें वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर से मेल करना है, बाहर से नहीं करना है। तो ये आपका तरीका ही होता है, क्या करते हैं हम पहले फाइल में जाएंगे, फिर सेंड टू जाएंगे, फिर मेल रिसिपिएंट। ये 2003 की बात है, अब तो ये ऑप्शन बदले हुए हैं। अगला है, व्हाट इज नेम ऑफ स्मॉल टूल बार एट टॉप दैट कैन शो द सेव डिस्क ऑप्शन इन वर्ड 2016, यानी जो इस छोटी सी टूल बार है उसका नाम क्या होता है, तो हमारा क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार है, ये सबसे ऊपर होता है और जहाँ पे कई ऑप्शन सेव डिस्क विकल्प को दिखा सकता है, अंडू रीडू भी होते हैं। ये वर्ड में आप आए यहाँ ऊपर देखिए जो ऑप्शन दिख रहे हैं क्विक एक्सेस टूल बार है, ये आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई कमांड यहाँ लगाना हो, जैसे देखिए कौन तीन कमांड है, सेव है, अंडू है, रीडू है, हम चाहते हैं ईमेल का ऑप्शन आ जाए तो हमने ईमेल क्लिक कर दिया तो ईमेल का ऑप्शन भी आ गया। ये क्विक एक्सेस टूल बार जहाँ से हम जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं कुछ कमांड को, ये कस्टमाइज कर सकते हैं, फिक्स नहीं होते, बदलते रहते हैं, जैसे आपके यहाँ कमांड फिक्स होते हैं ये नहीं बदलेंगे, यहाँ फिक्स है रिबन का, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज, ये आपके ऑप्शन फिक्स है, ये चेंज नहीं होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली रीड टेक्स्ट फ्रॉम एन इमेज, यानी आपको क्या करना है, टेक्स्ट रीड करना है कहाँ से, इमेज से रीड करना है, इसके लिए क्या यूज होता है, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ये क्या करता है आपका इमेज से में से टेक्स्ट को पढ़ने के लिए यूज होता है ये। OMR तो आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर है, MICR चेक में होता है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। लाइन का फायदा क्या है, शेयरिंग पेरिफेरल, यानी आपने अगर प्रिंटर आपके पास दो प्रिंटर हैं आप उनको 20 कंप्यूटरों में शेयर कर सकते हैं, बाकी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बैकअप डाटा को सेव करना, एक्सेस करना बिना लाइन के भी कर सकते हैं। विच आर फॉलोइंग में नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर बूटिंग, बूटिंग में आपको माउस की आवश्यकता नहीं होती है, हार्ड डिस्क चाहिए चाहिए, मिनी फ्लॉपी और सीडी रोम अगर आपका बूट नहीं कर रहा है तो हम पिन से बूट करते हैं, माउस की आवश्यकता तो किसी हालत में नहीं होती है। अलाइनमेंट बटन आर अवेलेबल ऑन द अलाइनमेंट के बटन, जो आपके अलाइनमेंट होते हैं लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, ये कहाँ होता है, हमारा होम टैब में होता है, ये हमने वर्ड खोल रखा है, आप देखें आपका ये होम टैब में ये अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये राइट और ये जस्टिफाई, सारे ऑप्शन आपके होम टैब में होते हैं। ज़्यादातर कमांड जो यूजफुल होम टैब में होते हैं, फुट नोट का इंसर्ट करना है तो ऑप्शन कहाँ रेफरेंस टैब में होता है, ऐसे कोई भी ऑप्शन जिसमें आपको क्या करना है कि आप जो
कमांड यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, दो अलग जगह पे लिखे टेक्स्ट का लिंक बना रहा है। फुटनोट ऐसी होता है कि आपका टेक्स्ट कहीं ऊपर लिखा है, जैसे हम वर्ड देखिए हमारा टेक्स्ट यहाँ लिखा है, चूज लिखा है, हम चाहते हैं इसकी व्याख्या नीचे देना, यानी शब्द यहाँ लिखा है व्याख्या नीचे दे रहे हैं, तो हम रिफर वर्ड यूज करते हैं रिफर वर्ड जहाँ दो अलग जगह होती है। जैसे यहाँ भी है रिफरेंस टाइम में कमांड होता है, हम जैसे रिफरेंस में गए और यहाँ से हमने फुट नोट करेंगे, यही मिलेगा जितने भी कमांड हैं ये हमने फुट नोट कर दिया, तो व्याख्या कहाँ आएगी इसको, नीचे आएगी सेलेक्ट प्रॉपर, ये नीचे लिखा आया है, और जबकि फुट नोट हमारा जो लगा नंबरिंग ऊपर लगी होगी, वन ऊपर भी लिखा होगा, जिससे हम ऊपर आए डॉक्यूमेंट में तो आप देख रहे होंगे जहाँ चूजते हैं वन लिखा है। आप यहाँ माउस लगाएंगे तो दिखा भी देगा क्या लिखे नीचे, देखिए लिखा दिए, दिखा दिया ये, तो फुट इंसर्ट डिफरेंस टाइम में सारे वही कमांड होते हैं जहाँ पे क्या होता है टेक्स्ट एक ही जगह पे नहीं है, उनके जगह चूज यहाँ लिखा है और उसके व्याख्या नीचे लिखी है, तो डिफरेंस टाइम में कमांड होता है ये हमारा। विच आर फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बैन, बैन के बारे में कौन सी चीज सही है, यह एक डेटा संचार नेटवर्क है जिसका बड़ा भौगोलिक क्षेत्र शामिल है, बिल्कुल सही बात है, सीमित भौगोलिक क्षेत्र आपका लैंड में होता है, तीन से कम प्रतिभागियों को बड़े अलग ये भी नहीं होता है, और एक शहर कवर करता है वो हमारा मैन होता है ये, तो वैन के बारे में पहला ऑप्शन ही सही है, लैंड वैन वैन तो काफी ज्यादा सुना हुआ वर्ड है। टेक्निक टू लिंक टू कंप्यूटर, दो कंप्यूटरों को जोड़ने की टेक्निक क्या कहलाती है, हमारी नेटवर्किंग कहलाती है, दो आप ज्यादा जोड़ सकते हैं जो तो भी पूछा गया है। INSP प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी वाय डायल अप कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन के माध्यम से कनेक्टिविटी कैसे देता है ISP, तो कैसे देता है वो मॉडेम के द्वारा देता है, क्योंकि मॉडेम ही नला को डिजिटल कर सकता है, डायल अप में आपका टेलीफोन भी लगता है जो कि नला सिग्नल यूज करता है। मीनिंगफुल फाइल नेम हेल्प्स इन ईजी फाइल एक्सेसिंग, यानी अगर आप बढ़िया फाइल नेम देते हो तो क्या होता है आपको फाइल को एक्सेस करना सरल हो जाता है, कुछ भी नाम जाएंगे ढूंढना कठिन होता है उसको। फिर इन एक्सेल फार्मूला वी सिंबल स्पेसिफाइज द फिक्स्ड कॉलम आर रोज, आपने पढ़ा है कि एक्सेल में दो तरह के रेफरेंस होते हैं आपका, एक क्या होता है रिलेटिव एक एब्सोल्यूट, अगर हम डॉलर लगा देंगे तो क्या होगा हमारा जो कॉलम है या रो है वो फिक्स हो जाती है, हमें बदलती नहीं है। ये देखिए यहाँ पे हम अगर यहाँ कुछ फार्मूला लिखें, हमने लिखा यहाँ पे 12, यहाँ लिखा 23, ये हमने लिखा हुआ है, हमें जोड़ है यहाँ पे, ये हमने लिखा मान लीजिए बराबर यहाँ क्लिक किया और प्लस यहाँ क्लिक किया, हमारा क्या आ रहा है 35 आ रहा है, और हम इसको अगर खींच देंगे तो हमारा जोड़ हर जगह आ जाएगा। हम मान लीजिए हम चाहते हैं इसमें जो 11 लिखा है इसको सब में जोड़ना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे, हम वही तरह के कुछ कर, मान लीजिए हमने यहाँ क्लिक किया और प्लस हमने यहाँ क्लिक किया और साथ ही हमने यहाँ 11 में क्लिक कर दिया, यहाँ तो ठीक है 35 11 46 आ रहा है, अगर इसको हम खींचेंगे नीचे तो क्या देख रहे हैं आप, कोई अंतर हमारे यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, जो वैल्यू आई थी वही वैल्यू हमारी हर जगह आ रही है। देखिए 58 यहाँ था 58 यहाँ भी आया, मतलब 11 यहाँ पे ऐड नहीं है, क्यों हो रहा है, अब देखिए A2 हो गया है, जबकि हमको A2 नहीं करना था, हमें A1 ही चाहिए था, तो हम क्या करते हैं इस केस में, जैसे हम यहाँ गए और हम क्या करेंगे, मतलब सॉरी फार्मूला में आए और A1 के पहले क्या लगा देंगे अपन डॉलर लगा देंगे, कॉलम और रो दोनों के पहले लगा देंगे डॉलर, तो फिक्स हो जाएगा हमारा। अब अगर हम काम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हर जगह 11 ऐड आएगा, यानी अब आपका फार्मूला सही काम करेगा। तो अगर देखिए 58 11 69, ये 11 सब में ऐड हो चुका है, यानी अगर आपको क्या करना है फिक्स करना है किसी रो या कॉलम को, तो क्या करते हैं आप डॉलर चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यही पूछा है इसने कि फिक्स्ड कॉलम और रो, हमें रो किसी रो कॉलम फिक्स करना है। जनरली क्या होता है फार्मूला जब ड्रैग करते हैं तो क्या होता है रो कॉलम बदलते चले जाते हैं, उसको हम रिलेटिव डिफरेंस बोलते हैं, और डॉलर लगा देते हैं वो हमारा क्या होता है एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है। प्रोग्राम सच एज पावर पॉइंट आर ऑल्सो नोन एज, इसे हम क्या बोलते हैं मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन टूल कहते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने काम होता है तो ऑटोमेटिक वही कहते हैं इसे हम। एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इन प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, यानी प्रेजेंटेशन में जो पन्ने को क्या बोलते हैं स्लाइड कहते हैं, जो पावर पॉइंट हमारा होता है इसमें क्या करते हैं हर एक पन्ने को, इसलिए ये सब स्लाइड है, ये नीचे लिखा भी होता है देखिए स्टेटस बार में स्लाइड 2 1 जितनी स्लाइड हमारी है वो शो होता है हमारा।
नेक्स्ट है यूजिंग एएमएस पावर पॉइंट विच लेआउट विल यूज टू डिस्प्ले हायरार्की ऑफ एम्प्लॉयज इन योर कंपनी, यानी कौन सा लेआउट हमारा है जो क्या करता है वो, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम कंपनी के कर्मचारियों को पदानुक्रम को दिखा सकते हैं। तो हायरार्की हमें शो करनी है तो हमारा काम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से होता है और ये आपको कहाँ मिलता है, किसी भी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की टीम में कहीं भी आप यूज कर सकते हैं इसका, या आप जो इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट में आपका स्मार्ट आर्ट होता है, इस समय ऑप्शन होता है। मैं कोई पहले कोई स्लाइड ले लूँ, ये मैं किसी स्लाइड के अंदर हूँ नहीं, और यहाँ स्मार्ट आर्ट होता है। स्मार्ट आर्ट में आप क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ले लेते हैं तो हम हायरार्की को शो कर सकते हैं। ये देखिए हम हायरार्की में आ गए तो यहाँ देखिए आपका शो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ये पिक्चर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, ये हम फोटो भी लगा सकते हैं कि सारे हमारे क्या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हैं। ये जिससे हम हायरार्की देखिए दिखा भी रहा है, जैसे हमने किसी को क्लिक कर दिया है तो यहाँ दिखा रहा है, ऐसे आप लगा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है ये। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं हायरार्की को शो कर सकते हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट वॉज नोन एज विजी कैल्क, ये हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशीट का नाम क्या है, विजी कैल्क कहते हैं। ये तो एक फैक्ट है, लोटस वगैरह बाद में आए थे, एक्सेल तभी चल ही रहा है। द टर्म साइकिल स्टेलिंग, साइकिल स्टेलिंग जो संबंध है किससे, डीएमए से है। डीएमए हमारा क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। कब यूज होता है ये, जब क्या होता है आईओ इंस्ट्रक्शन ज्यादा होते हैं तो डीएमए का यूज किया जाता है। जनरली इनपुट आउटपुट में सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी मेमोरी डायरेक्टली नहीं मिलती है आईओ इकाई को, डीएमए में डायरेक्टली मेमोरी मिल जाती है। विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी प्रिवेंट वायरसेज फ्रॉम टेकिंग ओवर प्रोग्राम लोडेड इनटू सिस्टम मेमोरी, तो ये हमारा क्या होता है, डाटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन होता है। यानी क्या कर रहा है वो, हमारे सिस्टम मेमोरी में जो प्रोग्राम लोड हैं उनको अधिकार में लेने से रोकती है, किसको, वायरस को। वायरस यानी क्या है, सिस्टम मेमोरी में जो प्रोग्राम है उन पे कुछ भी ना कर पाए, वहाँ पे एग्जीक्यूशन वो ना कर पाए। वायरस एक्चुअली एग्जीक्यूट होते हैं कहीं पर भी जाके और तभी वो अपना नुकसान पहुँचाते हैं। इनक्रिप्शन जो हमारा होता है वो तो कोडिंग डिकोडिंग कह सकते हैं सिंपली कहा जाए तो, और डिवाइस तो उसमें लिंक है नहीं कि इसमें डिवाइस एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन है। ये क्या करता है, डाटा को एग्जीक्यूट नहीं होने देता है, जो वायरस का डेटा उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, कहाँ पे, सिस्टम की मेमोरी में। इन ए नेटवर्क फायरवॉल सिस्टम एंड प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस आर प्रोवाइडेड बाय द गेटवे, यानी फायरवॉल सिस्टम और अनाधिकृत पहुंच की रोकथाम किससे मिलती, गेटवे से मिलती। बाकी तो ब्रिज क्या करता है, दो अलग लेन को जोड़ता है, रिपीटर सेम लेन को जोड़ता है, स्विच एक सिंगल लेन के अंदर ही कह सकते हैं, जस्ट लाइक स्टार टोपोलॉजिकली होता है। तो ये फायरवॉल वाला काम हमारा गेटवे से ही हो पाता है। विच इज द की कॉम्बिनेशन टू सेलेक्ट ऑल सेल डेट कंटेन कमेंट इन एमएस एक्सेल, शॉर्टकट कमांड है, ऐसे सारे सेल को सेलेक्ट करना जहां पे कमेंट है, तो क्या है उसका शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। देखिए यहाँ पे कमेंट सेलेक्ट करना है, जैसे तीन जगह में कमेंट लगा रखा है, मुझे तीनों सेलेक्ट करने हैं, क्या करूंगा मैं, कंट्रोल शिफ्ट को दबा के ओ को टच कर दूंगा, तो हमारे तीनों सेलेक्ट हो गए हैं। जैसे मैं यहाँ पे रेड क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए तीनों की स्याही हमारी लाल हो जाएगी, जो तीनों के हैं हमारी स्याही देखिए रेड हो गई है, कमेंट शो भी कर रहे हैं यहाँ पे कमेंट, जो कमेंट लगा है, तो जैसे मैं माउस ले माउस कमेंट शो कर रहा है, बाकी कहीं जाए कुछ शो आपका नहीं कर रहा है। यही पूछ रहा था जितने कमेंट लगे हैं इसलिए मैं सेलेक्ट करना क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ओ यूज करते हैं। अगला वर्ड डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए कौन सी कुंजी यूज करते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल सी तो कॉपी के लिए हो गया और कंट्रोल ई अलाइनमेंट के लिए हो गया है। आते हैं अगर हम वर्ड में, हम कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं जिसमें मैंने यही ओपन कर लिया डॉक्यूमेंट। अब मुझे ये जो डॉक्यूमेंट खुला है ई डक्स लेटर, मुझे इसको बंद करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल को दबाए हुए डब्ल्यू को टच कर देंगे, तो डॉक्यूमेंट हमारा क्या बंद हो गया, ये कंट्रोल डब्ल्यू से डॉक्यूमेंट हमारा क्या होता है, बंद हो जाता है। थर्टी एट है, व्हाट इज की कॉम्बिनेशन टू फिनिश मॉडिफाइंग ए वैल्यू इन कंट्रोल ऑन द रिबन एंड मूव फोकस बैक टू द डॉक्यूमेंट। हिंदी में देख लें,
कि रिबन पर नियंत्रण में एक मूल्य को संशोधित करने के बाद और दस्तावेज पर वापस फोकस करने के लिए कुंजी कौन सी प्रयोग होती है? इंटर की प्रयोग होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट सीडी लेयर, सीडी लेयर को प्रोटेक्ट कौन करता है? तो एस क्राइलिक। सीडी में जो आपके एल्यूमिनियम की लेयर होती है उसमें एक्रेलिक की कोटिंग होती है जो सीडी की लेयर की सुरक्षा करती है, बचाव करती है सीडी का। एमएस वर्ड में एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए, लेकिन हमें वर्ड नहीं बंद करना, तो वही बात है, हमें फाइल बंद करनी है, वर्ड से हमें बाहर नहीं होना, इसके लिए कंट्रोल डब्ल्यू है, पहले प्रश्न देख चुके हैं, बाकी अंडू आपको पता है शॉर्टकट। ए डैश डैश प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन थ्रू ए केबल टेलीविजन नेटवर्क। तो हमारी क्या केबल मॉडेम से होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। एक केबल टीवी के माध्यम से, क्या केबल मॉडेम लगा दें हम, तो क्या होगा, केबल टीवी के द्वारा आप उच्च गति इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। GIF का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, इमेज फाइल का फॉर्मेट होता है। द स्लाइड दैट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन, यानी जो आपके जो स्लाइड है जो बता रहे हैं हम किस बारे में बताने वाले हैं, हमारा शीर्षक क्या है, तो हमारे क्या कहलाती है, टाइटल स्लाइड कहलाती है, शुरू में होती है, सभी प्रेजेंटेशन में टाइटल स्लाइड होती ही है। विच आर फॉलोइंग एक्सेसेस डाटाबेस इंफॉर्मेशन एंड इंटरैक्ट विद द यूजर, वो हमारे क्या है, क्लाइंट कहलाते हैं, जो क्या करते हैं, डाटाबेस से सूचना प्राप्त करते हैं और उपयोगकर्ता से क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, क्लाइंट होते हैं हमारे, सर्वर से डेटा हमें मिलता है। डाटाबेस क्या है, सूचनाओं का समूह है। ए डैश डैश चार्ट कैन बी यूज्ड फॉर कैटेगरीज डेट रिप्रेजेंट रेंज ऑफ वैल्यूज इन एमएस एक्सेल, तो हमारे उसके लिए क्या होता है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। स्टॉक चार्ट उतार चढ़ाव के लिए होता है, तो क्लस्टर्ड कॉलम इसके लिए हमारे आते हैं, ये क्या करते हैं, रेंज ऑफ वैल्यूज इन एमएस एक्सेल। अरे यार क्या क्या चीजें आ जाती हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पिक करेक्ट सेंटेंस, सही उत्तर चुनिए। डेस्कटॉप पृष्ठभूमि में क्या है, वॉलपेपर विभिन्न आकार के आयाम होते हैं।
चाइल्ड प्रोसेस को किल करने पेरेंट से पहले तो क्या होगा, चाइल्ड का पेरेंट हमारा इनिट हो जाता है, मतलब इनिट इसकी नई पीपीटी हो जाती है, तो उसमें प्रोसेस को आरफन कहते हैं, एक तरह से कहीं अनाथ हो गई है क्योंकि पेरेंट को किल कर दिया गया है। आईपी बिफोर फर्स्ट टाइम आया 1983 में आया, जैसा तुम बोले जैसा पास हो जाए वैसा बनवा लेते हैं। IPv4 एड्रेस डेट स्टार्ट फ्रॉम 10000 तो इनमें कहा होगा 255 अधिकतम होती है, 10255255255 हो जाएगा, लगभग 2000 के करीब होगा। तो आईपी एड्रेस प्रत्येक बाइट में 20255 होता है, 10 यहां फिक्स है, तो ये इंड कहा होगा, बाकी 0255255255 इंड होगा। ये To use the services of UDP, we need two socket addresses. Socket address जो होता है वो IP address और port number दोनों combination होता है, तो UDP में हमें दो socket address चाहिए होते हैं। अंतिम प्रश्न है कंप्यूटर भाग का हमारा, Which of following should come under don'ts for naming a file? किसी फाइल का नाम देना है तो इसमें क्या नहीं करना चाहिए, में हर नोड सारा काम करना पड़ेगा, वर्जन नंबर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, सिनिलिटी क्रिप्टिक नहीं होना चाहिए फाइल में हमारा, ये आपका कंप्यूटर भाग का पार्ट पूरे हो गए हैं।